बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो ये जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे वो रद्द कर देंगे। इसके साथ रिजर्वेशन चला जाएगा, इसके साथ सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट चले जाएंगे, इसके साथ रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएंगी, और आज जो गरीबों के सामने रोजगार के रास्ते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, और अदानी की अंबानी की सरकार पूरा का पूरा जो भी करना चाहती है करी। इसलिए सबसे पहले ये चुनाव संविधान को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का, पब्लिक सेक्टर को बचाने का, रेलवे को बचाने का चुनाव। किस देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संविधान को मिटा दे, फाड़ के फेंक दे। किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात नहीं करते, अदानी की बात करते हैं। कभी आपने मीडिया पे गरीब किसान को देखा है? नहीं। बेरोजगार युवा को इंटरव्यू लेके देखा है? नहीं। मजदूर को देखा? नहीं। भाइयों और बहनों, ये पहला चुनाव है जब बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो ये जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे वो रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ आए थे, 100 साल हो गए, यहाँ पे किसान का आंदोलन हो रहा था, किसानों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी, और अगर आजादी की लड़ाई शुरू हुई और संविधान का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान को मिला तो रायबरेली की जनता ने, रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के युवाओं मजदूरों ने दिया था। और अब ये आपकी सोच पर और इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए, अगर ये संविधान चला गया, इसके साथ रिजर्वेशन चला जाएगा, इसके साथ सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट चले जाएंगे, इसके साथ रेलवेज प्राइवेटाइज हो जाएंगी, और आज जो गरीबों के सामने रोजगार के रास्ते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, और अदानी की अंबानी की सरकार पूरा का पूरा जो भी करना चाहती है करेगी। इसलिए सबसे पहले ये चुनाव संविधान को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का, पब्लिक सेक्टर को बचाने का, रेलवेज को बचाने का चुनाव है। और मैं रायबरेली से बाकी देश को कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संविधान को मिटा दे, फाड़ के फेंक दे। भाइयों और बहनों, आपका हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं है। 100 साल पुराना रिश्ता है। 100 साल पहले यहां जवाहरलाल नेहरू जी आए और स्टेज से ये कहने में खुशी होती है कि अगर जवाहरलाल नेहरू राजनीति सीखे तो रायबरेली की जनता ने, रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के मजदूरों ने जवाहरलाल नेहरू को राजनीति करनी सिखाई। ये उनकी कर्म भूमि थी। मेरे दादा यहां से चुनाव लड़े, मेरी दादी यहां से चुनाव लड़ी, मेरी माता यहां से चुनाव लड़ी, और अब मैं यहां से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और ये जनता की मोहब्बत का चुनाव है, नफरत के खिलाफ चुनाव है। और जैसे हमने पूरे देश में नफरत को मिटाकर मोहब्बत की दुकान खोली, उसी प्रकार से हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मोहब्बत से, मोहब्बत की दुकान खोलकर, लोगों को जोड़कर हम रायबरेली में चुनाव जीतेंगे। भाइयों और बहनों, मैंने
मीडिया के मित्र कहा, मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के हैं, अंबानी के हैं, ये आपकी बात नहीं करते। किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात नहीं करते, अदानी की बात करते हैं। कभी आपने मीडिया पे गरीब किसान को देखा है? नहीं। बेरोजगार युवा को इंटरव्यू देके देखा है? नहीं। मजदूर को देखा है? नहीं। अंबानी की शादी देखी? 8 करोड़ की घड़ी देखी? ये है इनका काम, 24 घंटा नरेंद्र मोदी को टीवी पे लाने का है। भाई और बहनों, रायबरेली के लिए कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, इंदिरा गांधी जी ने बहुत काम किया है। 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी उचाहर थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने रोक रखा है, स्पाइस पार्क जिसको बीजेपी ने कैंसिल किया, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, निफ्ट, फुटवेयर इंस्टीट्यूट और नेशनल हाईवे का जाल हमने अमेठी और रायबरेली में बिछाया और इससे सारे के सारे लोगों को फायदा हुआ। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया। जितना भाई और बहनों हमने कर्जा माफ किया था किसानों का, अगर उस कर्जे माफी को आप 24 बार करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है, फायदा पहुंचाया है। बाय बाय हो रही है उसकी, अब गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। भाइयों और बहनों, जून 4 हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों के नाम एक लिस्ट में आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 70, 80, 90 नहीं, 1 लाख रुपए अंदर हर महीने करोड़ों लोग जागेंगे। 1 तारीख को खड़ा कट 8,500 रुपए अंदर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पैसे देने से, सुनिए मजे की बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसे देने से गरीबी नहीं मिटती। नरेंद्र मोदी जी, थाली बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती, सेलफोन की लाइट बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती और नाले में पाइप लगाकर, गैस बनाकर, पकौड़े बनाकर भी गरीबी नहीं बिकती। 1 लाख बैंक अकाउंट में डालने से
गरीब को सहारा मिलता है और इस सहारे से गरीब गरीबी से निकल सकता है। किसानों का कर्जा माफ 4 जून को पहला कदम, हिंदुस्तान के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ। यहां पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, इन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ किया और किसानों को सही दाम दिलवाया। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो गई क्योंकि किसानों के जेब में पैसा गया, मजदूरों के जेब में पैसा गया, आर्थिक इंजन स्टार्ट हो गया। वही काम हम नेशनल लेवल पे करने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानून के मुताबिक नया कानून बनाया जाएगा और कम से कम दाम गन्ना, गेहूं, धान, आलू, इन चीजों के लिए किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगा। अब चलिए अग्निवीर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 तरीके के शहीद बनाए। एक गरीब घर का बेटा, उससे कहते हैं तुम अग्निवीर हो। 4 लोग चुने जाएंगे, 3 को वापस घर भेज दिया जाएगा, 1 को रखा जाएगा। आप जानते हो कौन से 3 को घर भेजा जाएगा? गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट लोगों को कहा जाएगा तुम लोग वापस जाओ। और जो 1 अग्निवीर बचेगा, लिख के ले लो, वो अमीर घर का बेटा होगा। 2 तरीके के शहीद भाइयों और बहनों, अग्निवीर को ना पेंशन देंगे ना कैंटीन मिलेगी, और अगर वो देश की रक्षा करते हुए शहीद होगा तो उस अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहते हैं? कोई देशभक्त देश पर अग्निवीर योजना नहीं लागू कर सकता है। हम देशभक्त हैं। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, जून 4 अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये देशभक्ति की योजना नहीं है, ये अदानी को मदद करने की, सेना के पैसे को अदानी के जेब में डालने की योजना है। इसे हम खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे, परे कर देंगे। भाई और बहनों, युवाओं को हम एक नया अधिकार देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया। अच्छा, हाथ उठा के दिखाओ, नरेंद्र मोदी ने कितनों को बेरोजगार किया? आपने धन्यवाद बोला उनको, थैंक यू बोला? नहीं, बेरोजगारी के लिए थैंक यू नहीं बोला आपने। हम आपको अधिकार देने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के हर ग्रेजुएट को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, कॉलेज ग्रेजुएट, 1 साल की नौकरी पक्की, पहली नौकरी पक्की। पब्लिक सेक्टर में BHEL, HEL, ONGC, रेलवेज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में आपको 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। और बैंक में 1,00,000 रुपए जाएंगे, 8,500 रुपए महीने के टकाटक 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 अंदर। करोड़ों युवा लाखपति बनेंगे, करोड़ों महिलाएं लाखपति बनेंगी, किसानों को सही दाम मिलेगा, कर्जा माफी होगी, मजदूरों को आज 250 रुपए देते हैं नरेंद्र मोदी मनरेगा में, 4 जून के बाद 400 रुपए हो जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।